जहां कोतवाली पत्थरबाजी मामले में 7 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि छतरपुर की श्री कोतवाली में हुए पत्थरबाजी कांड के बाद अब एक एक करके कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी क्रम में 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 47 नामजद आरोपियों के अलावा कुल 150 लोगों पर हत्या के प्रयास, बलवा और शासकीय कार्य में बाधा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार कार्यवाही जारी है। इसके अलावा पुलिस लाइन में बुलडोजर भी अभी तैनात रखा गया है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में फिर से मकान गिराने जैसी कोई बड़ी कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें एक मौलाना इरफान चिश्ती भी शामिल है। मीडिया के सवालों पर उसने जवाब दिया कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैं अपनी गलती मानता हूँ। मौलाना की पत्नी और 4 साल का बेटा भी उसे कोतवाली में विदा देने करने आया था। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में वकील, व्यवसायी और मौलाना भी शामिल है। इस पूरी घटनाक्रम पर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी भी सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और किसी भी ऐसी पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी जो सामाजिक और धार्मिक रूप से भड़काऊ हो सकती है। इसके अलावा 21 तारीख को हुए घटनाक्रम में कोतवाली के बाहर कई ऐसे युवकों की पहचान की गई है जो कि छतरपुर शहर के नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। इस बात की भी सबूत मिले हैं कि इस पूरे प्रायोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाहरी क्षेत्र से पैसे की फंडिंग की गई है, इसकी भी जाँच पुलिस कर रही है। जितने भी लोगों के नाम सामने आएंगे उन सभी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। चार लोगों का पीछे चलो बैठो, इकट्ठे कर लो, देखो तो जो गलती लोगों ने करी उसका एहसास हम लोगों को है। इतने इतने पुलिस वाले घायल हुए, फिर जा रहा है, उसमें 8 की सूची आपको मिल जाएगी। इरफान चिश्ती, नाजिम चौधरी एवं अन्य लोग जो हैं जिन्हें पेश किया जा रहा है। सर, दो बंदूकें मिली थी वहां पर, वो क्या बंदूक के लाइसेंस थी कि विदाउट लाइसेंस थी? लाइसेंस उनका था जिसे निरस्त कराया गया है। सर, कितनी टीमें बनाई गई हैं दबिश के लिए? सर, अलग अलग टीमें बनाई हैं दबिश की, 4 से 5 अलग अलग टीमें हैं और जो अलग अलग एंगल से फुटेज, साइबर टेक्निकल एविडेंसेज, लोगों से पूछताछ, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जांच कर रही हैं। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0779-0630-20, 0691-9846-808।